नोज का पार्ट बनाते हैं सबसे पहले। तो नोज का वेक्टर बनेगा आपका तो इन नॉचला। आ गया, आ गया, आ गया। इसको सेलेक्ट करें। सर आप भी रिकॉर्डिंग पे लगाइए इसको। हाँ लगा रखा है तो रिकॉर्डिंग सर। एक पिछली क्लास का वीडियो नहीं भेजा था आपने? यार, इसका लिंक तो मैंने भेजा होगा दिनेश जी, देखो एक बार। अरे वो लिंक भेजा था यूट्यूब पे है ना? यूट्यूब हाँ हाँ यूट्यूब वाला लिंक था, उसके डाउनलोड कर लो। मैं भेज दूंगा दिनेश जी, मैं है जी। चलो भेज दूंगा, मेरे पास पड़ा है। चलो भेज देना सर। अब सर हमारे और शकील जी का तो मिलाप हो गया था। अच्छा, कहाँ मिल लिया आप लोग, घूमे आए या आए फिर? थे वर्कशॉप पे, आए थे अपने अच्छा जोधपुर। कानों का। अच्छा, चलो बढ़िया। एक दिन ये सडन सरप्राइज आपको भी दूंगा सर। भाई सुन, देने से पहले ना नजदीक कहीं हो ना तो बता दियो, क्योंकि मैं मिलता बहुत कम हूँ। अगर टाइम नहीं रहा ना तो फिर घूमता रहना यहीं पे अजमेर में ही, देखो ना दरगाह जी के दर्शन कर लेना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो क्या है ना कि मैं दोपहर में ना निकल जाता हूँ 11-12 बजे से, 2-3 घंटे के लिए बाहर होता हूँ, तो अच्छा ये चीज ले लिया अपन ने, ये लिया। ठीक है, अब क्या है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये है, ठीक है। अब इसमें तो ये वाली चीज तो अलग से निकलेगी अपनी, ठीक है। फिर भी हमने ये लिया, अब क्योंकि ये नोट जो है ना, ये नोट जो है आपका इसके लेवल से मैच होगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये हमने एक्स्ट्रा उठा रखा था क्या इसमें? अरे यार एक्स्ट्रा नहीं उठना चाहिए था, तो उस दिन उठा ही लिया ये अपन ने, है ना। चलो कोई नहीं, कर देंगे इसको सॉल्व। शेप एडिटर में आओ, राउंड शेप लो, बहुत ज्यादा ऊंचा उठ जाएगा ये दिन। तो मर्ज हाई कर देते हैं ना, बट मर्ज हाई से वो चीज आएगी नहीं आपकी, आएगी। इसको एक काम करते हैं यार, इस फेस को ना मजा नहीं आ रहा इसको बनाने में, इसको हटा ही दो इस फेस को, तो रिसेट ही मार दो एक बार, ठीक है। दोबारा से करो, फटाफट हो जाएगा, 2 मिनट का काम है। ये लिया, उसके बाद इसको फिक्स कराओ, यहाँ पे आओ। ये चीज जब ये ज्यादा उठ रही है ना, जैसे ये वाली चीज, तो क्या है अपन इसको दबा देंगे, ठीक है। बट ये पूरा एक साथ में ही रहेगा आपका, नोज का हिस्सा ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम अगर कर देते तो बहुत ज्यादा लिमिट हो जाएगा इसका, ये देखिएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अब ये पार्ट हमने बना लिया, ठीक है। हमें पता है कि इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो हमने हिस्सा बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ चेक करने के लिए बनाया कि ये कैसे इसका ऊपर में जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको लेवल में लेते हैं, और यहाँ से अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे वेक्टर को पकड़ो, ये वाला वेक्टर को तोड़ दो, यहाँ पे सी प्रेस कर दो, और इसको पिक कराओ और सी प्रेस कर दो, तो दोनों वेक्टर क्या हो गए, अलग अलग हो गए हमारे, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर्स को पकड़ के, ठीक है, ऊपर की ओर ड्रैग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को ये आगे चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ देखने के लिए लिया था नोज में ये वाला, ठीक है। ये लिया, अब हमारे पास ये वाला तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। इसमें शेप एडिटर में आएंगे, ठीक है। ये देखो राउंड शेप में बहुत ऊंचा निकल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कराओ, इसको स्केल टू हाइट करा दो, ऐड किया, ठीक है। इसको मैक्सिमम 2 से 3 mm बहुत है इतना, ठीक है। 5 दे दो मैक्सिमम, 5 बहुत है, ठीक है। ये 5 दे दिया, अप्लाई कर दिया, कैंसिल किया। अब इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्लोज वेक्टर विद स्ट्रेट लाइन, और यहां से क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट किया,
अब यहाँ पे इसको राउंड शेप देते हैं, तो राउंड शेप दे दिया तो क्या हो गया, देखो ये चीज आता ही है बट इतना ज्यादा फिनिशिंग में नहीं आ रही। तो अब क्या है, इसको और अपन उठाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, इसको क्या करेंगे थोड़ा सा और उठा लिया हमने, जब टॉप से देखेंगे ना तो हमें वही चीज आ जाएगी, बट वो जो आ रहा है उसको हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिया, ओके, तो इसको अगर हम इस तरीके से ले रहे हैं तो ये चीज आ रही है ना। अब यहाँ पे अपन इसको और उठा दो थोड़ा सा, ठीक है, और ये वाला जो वेक्टर है इसको नीचे ले आओ, बट यहाँ पे ये जो चीज है अंदर जाके राउंड में मर्ज हो रही है, फिर वही दिक्कत कर रही है। तो अब हमें क्या करना है, नोज को अब इसको फिर से दिमाग लगाओ इसे, क्योंकि देखो अगर मैं डायरेक्ट, मेरे को तो पता कैसे बनेगा, ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली तुमको बता दिया ना तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करना है, अपने को यहाँ पे राइट क्लिक कराओ, इंसर्ट ए नोड कर दिया, ठीक है, अब क्या करते हैं इसको सिलेक्ट करते हैं, सी दबाया, यहाँ पे एक इंसर्ट ए नोड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे सी दबा दिया, ठीक है, दोनों ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद क्या करो अब आप, ठीक है, इस वाले को वेक्टर को डिलीट मार दो, ठीक है, राइट क्लिक कराओ, शिफ्ट डी कर दो, नहीं हो रहा तो अब हमें मैन्युअली करना पड़ेगा, यहाँ पे साइड में लाओ, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट कर, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले वेक्टर को पकड़ना है फिर से, ठीक है, क्योंकि मैं एक बार में बता दिया ना आपको, तो फिर वो आप सबके लिए वही अप्लीकेबल कराओगे, और सबके लिए वही अप्लीकेबल कराओगे तो सबकी नोज अलग अलग होती है, तो वहां पे फिर वो दिक्कत करेगा। इसको आगे की ओर ले लिया हमने, ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे ये देखो नोज कैसा है यहाँ पे इसका, ठीक है, यहाँ पे राउंड है थोड़ा सा गोल है बट नीचे स्ट्रेट भी है, हम क्या करते हैं इसको इस तरीके से क्या कर दिया, बिल्कुल गोल कर दिया, ठीक है, अब हमें इन दोनों को सिलेक्ट कराया, ठीक है, और यहाँ पे टू रेल सेट लिया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, ड्राइव को एक साइड किया और यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कर दिया, तो देखो ये चीज ऐसे निकल गई, ये ऊंची हो गई, ये देखो। अब अपन क्या करते हैं, इसको लिमिट टू हाइट करते हैं एक बार, ठीक है, ये अपने को मर्ज करना पड़ेगा बार बार, ठीक है ना, ये वाले हिस्से अपने को उठाना पड़ेगा। तो क्या है, अब हम यहाँ से थोड़ा सा उठाओ इसको, इसको पहले उठाना है अपने को थोड़ा सा, कैसे, जैसे अपन इसको 3 mm सीधा उठा दिया हमने, ठीक है, ये 3 mm सीधा उठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं मर्ज हाई कर देते हैं, मर्ज हाई करेंगे तो बॉटम में चला गया, स्टार्ट हाइट आप कराओ 10 20, ये सीधी आ गई है ना, 40 में ज्यादा गई, तो उसकी वजह से ये नॉर्मल में उठाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपका, ठीक है, उसमें नहीं बैठेगा आपका, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको मैनुअली बनाओ, इसी तरीके से बनाना पड़ेगा अपने को, राउंड शेप से उठाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां से ये बैठेगा नहीं इसमें, तो क्लोज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आउट एडिटर, बस हाइट, स्टार्ट हाइट, ठीक, 40, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने यहाँ पे रखा इस तरीके से, ठीक है, अब इसको क्या कराओ, बीच में से ऊंचा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो इसको क्या किया हमने इस तरीके से वो ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कर दो एंड कैंसिल कर दिया। अब क्या करना है, इसको इसी लेयर पे है और उसी लेयर पे आपका नोज, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको स्मूथ टूल को पिक करेंगे और यहाँ से ब्रश को छोटा करिएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, इसको स्मूथ कर देंगे ये चीज, ये इसमें बिल्कुल मर्ज हो जाएगा आपका, ये देखो सर, ये बिल्कुल इसमें ये चीज निकल जाएगी आपकी नोज पे, ठीक है, इसको थोड़ा दबा देंगे ऊपर से, ये देखिए बन गई उसी तरीके से, थोड़ा सा स्ट्रेट लेके उसको राउंड कर दिया हमने, यहाँ पे अभी स्मूथ कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में हम इनको उठा लेंगे, इसको थोड़ा दूर से ले लेते हैं ये वाली चीज को, यहाँ पे 2 पॉइंट और ऐड कर देंगे, उसको हम ऐड कर देते हैं इस तरीके से, ये किया, अब इसको एक बार और देख लीजिए, अब इसको क्या कराओ, चलाओ आप, ये बिल्कुल इसमें मर्ज हो जाएगा आपका, धीरे धीरे चलाते रहोगे, ठीक
को थोड़ा सा बढ़ा लो। ऊपर तो उस पे क्या आ जाएगा, पगड़ी आ जाएगी। अब क्या करना है, ये देखो अंदर वाला पार्ट जो है, देखो ये यहाँ पे ठीक है। अब इसको क्या कराओ आप, यहाँ पे कटिंग मारना है अपने को। हाँ इन दोनों को सिलेक्ट कराया, ठीक है। शेप एडिटर में आएंगे, आने के बाद क्या करेंगे, इसको अंदर की ओर सबट्रैक्ट मारना है, ठीक है। राउंड शेप सबट्रैक्ट, ठीक है। देखो ये देखो ऑटोमेटिकली आपका ये चीज आपका यहाँ पे लेवल में आ जाएगा, ठीक है ना। ये लिया, अब हमें क्या करना है, इसको काफी है क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ उठेगा भी। अभी अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब वही चीज फिर से अप्लाई कराओ, ये देखो ये इस तरीके से क्या करना है अपने को इसको, ये देखो ये नोज का हिस्सा, इसमें से ये चीज का आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। इनको चलाते रहिए, धीरे धीरे चलाओगे बिल्कुल एकदम क्लोज हो जाएगा ये वाला चीज। ठीक है, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे क्या है, इसको इसकी हाइट को कम कराओ, स्केल टू हाइट कराओ, ठीक है। और यहाँ पे मान लो आपने डाल दिया 2 mm डाल दिया, ठीक है, बहुत है, इतना ऊंचा बहुत है। ये देखिएगा यहाँ से पूरा डेप्थ आ जाएगा आपका, ठीक है। अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब हमें क्या करना है, वेक्टर को ऑफ कराइएगा, ये देखिएगा निकल गया ना ये चीज ऑटोमेटिकली। ये देखो आगे डक, क्या हाँ, ये देखो ये ऑटोमेटिकली उठ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लिप्स वगैरह जो बनेंगे ना आपके, तो ये वाली चीज पूरा आपका डाउन, ये ऊपर उठेगा, ये डाउन जाएगा, बट इससे पहले ये 2 बार में उठेगा, ठीक है। ये हमने एक बार में उठाया था ना, यहाँ पे बीच में गड्ढा है इसमें, ठीक बचा रहा है ना।
इस तरीके से थोड़ा सा इसमें गैप आएगा, यहाँ पे इसमें ये वाला गैप लगाओ। अब इसको साउंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए धीरे धीरे आ रही है ना, देखो शेप ये नीचे रह गया। यहाँ पे इस पे आओ, ठीक। अब इसके लिप्स का पार्ट बनाओ। अब देखो लिप्स कैसे बनेंगे इसके, छोटा छोटा ब्लॉकिंग मारते हैं पहले हम, उसके बाद ही आपका पूरा मॉडल बनेगा। ठीक, यहाँ से स्टार्ट कराओ। ज्वाइन कर दिया, स्मूथ किया इस तरीके से, ठीक है। इसको रिफ्लेक्ट कर दिया इस साइड। थोड़ा सा एक साइड से बड़ा है इसका। अब यहाँ पे क्या है, आपको ये वाला जो नीचे वाला है ना, ये दोबारा से बनेगा आपका, ठीक है। ओके, और ये यहाँ पे क्या है, स्लांट है, देन यहाँ से क्या है, खड़ा होगा, ठीक है। तो स्लांट है का मतलब कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये इस तरीके से स्लांट है, इस तरीके से, ये देन उसके बाद ये खड़ा है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका क्या है, इस साइड से लिटिल बिट कर्व भी होगा, ठीक है, बट इधर से फ्लैट होगा आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, इस तरीके से लिया हमने, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट इस पेन टू बेजियर।
इस तरीके से। ठीक है, अब पहले इसको सिलेक्ट कराओ, नई लेयर ले लेते हैं, चाहे इसी के ऊपर बना लो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, पहले मैंने इस वाली लेयर को सिलेक्ट किया, फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, बट अच्छा ये दोनों एक साइड ज्वाइंट नहीं है, इन दोनों को ज्वाइंट कराओ। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ज्वाइंट ज्वाइंट। इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, टू रेल शेप में आगे यहाँ पे आओ और यहाँ से एड क्रॉस सेक्शन कर लो। ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है, अब ये हाइट बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसकी स्केल हाइट कराओ। ठीक है, ये काफी रहेगा इसके लिए। ठीक है, फिर भी इसको थोड़ा सा ऊपर कराओ इसके। ठीक है, 2 mm के समथिंग इसको करा दो। ये रखा हमने, अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये वाला सेलेक्ट करना है। तो पहले हमें ये अंदर वाला सेलेक्ट करना है, फिर ये सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट किया, क्रॉस सेक्शन को हटा दो, एक बनाया, इसको सेलेक्ट कराओ, ऐड किया। ये देखो आ गई वही चीज, ये देखो। अगर टॉप से देखोगे ना, जैसे जैसे इसका फ्लैश आता चला जाएगा ना, तब इसकी शेप बनेगी, नहीं तो शेप नहीं आएगी डायरेक्टली, बराबर ना। अभी इसकी कुछ शेप आपको लग रही है कि हाँ भाई शेप बना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा रिंकल्स और डालेंगे तो वो चीज आ जाएगी आपकी। ठीक है, अप्लाई कर दिया, नोज थोड़ा और सही करना है अपने को। ठीक है, अब क्या करना है, नोज का पार्ट है इसमें, यहाँ पे क्या होता है, ये डाउन जाता है, ऊपर से नीचे की ओर डाउन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर डाउन कर दो इसको। अच्छा, ये वाली जो चीज है, अगर इसको स्मूथ करना है तो आप ब्रश टूल ले लीजिएगा, इसको स्मूथ करिएगा। इस तरीके से, ठीक है, कॉपी में आओ। धीरे धीरे जब करते जाएंगे तो इसका शेप आता जाएगा आपका भी। अब यहाँ पे देखो एक गड्ढा आ गया है, तो ऑटोमेटिकली ये देखो डेप्थ आ गई है। देखो अब इस डेप्थ को क्या करो, थोड़ा सा बढ़ाओ और इसको स्मूथ कराना है। इस तरीके से, ठीक है, वो बिल्कुल आपका जो फ्लैट एरिया है ना, वो बिल्कुल राउंड हो जाएगा यहाँ पे। जैसे जैसे करते जाएंगे धीरे धीरे उस तरीके से अपनी शेप आती चली जाएगी। क्या करना है अपने को, इसका ये वाला जो हिस्सा है ना ऊपर वाला, इसका एक डुप्लीकेट ले लो, ऊपर कर दो। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है, आप इस वाले वेक्टर को शिफ्ट के साथ डिलीट कर दीजिएगा, इस वाले वेक्टर को शिफ्ट के साथ डिलीट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, इस वाले को पकड़िएगा, यहाँ पे लाइएगा इस तरीके से। अब क्या करना है, पहले इसको पकड़ेंगे, पहले इसको फिर इसको। ठीक है, दोनों को पिक कर लिया। ठीक है, टू रेल शेप ले लिया, दोनों का डायरेक्शन एक साइड, इसको फिर से पिक किया हमने, क्रॉस सेक्शन ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बाहर निकल गया, ऑपोजिट गया। हाँ, बराबर यही चाहिए, यहाँ पे लिमिट टू हाइट में आओ। ठीक है, यहाँ पे आप कराओ 2 mm बस। अभी 2 mm में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बीच में ना थोड़ा सा गैप आ गया, देखो यार, तो कोई दिक्कत है, हम स्मूथ टूल जब लेंगे ना तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा।
हम अभी इसको अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, ये क्या होगा, स्मूथ टूल से अप्लाई होगा आपका। ठीक है, पहले तो इसकी ब्रश छोटी कराओ और यहां से आप क्या कराओ, इसको बढ़ाओ, इसको धीरे धीरे चलाएंगे ना, इसको ये खत्म हो जाएगा आपका इस तरीके से, ये इसमें इस तरीके से चलाना है अपने को। तो इसका क्या है, लिप्स जो है ये देखो, वही का वही लिप्स रह गया, हल्के हाथों से चलाना है आपको। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, आप एक साइड काम कर रहे हो ना, ठीक है, तो दूसरी साइड भी हम वो काम होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो कैसे, देखो उसको सिमेट्री बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो, मिरर एक्स में, मिरर वाई में, मिरर एक्स में कराओ, ये मिरर एक्स में ये उल्टा जा रहा है, इसको इस कहते हैं नॉर्मल बिहेवियर। देखो ये जो है लोअर ओनली पे क्लिक करो, राइज ओनली में वो पार्ट जा रहा है कि आपका उसमें उसको मर्ज करा देता है, बट अपनी तो ये चीज चाहिए, नॉर्मल रखो इसको, ठीक है। ब्रश की कम करो, हाथों से बिल्कुल कम ओपेसिटी के साथ चलाओगे तो खत्म हो जाएगा आपका। इसमें क्या है, थोड़ा मेहनत बहुत ज्यादा है इसमें, इस तरीके की चीज करने में ना फिनिशिंग बहुत टाइम बाद आती है, धीरे धीरे करते रहेंगे ना तब जाके आएगी। अब ये क्या है, एकदम डार्क नहीं होती, इसको क्या कराओ, राउंड कराओ आप, इस तरीके से स्मूथ होती है, ये देखो इस तरीके से स्मूथ होती है अपनी, ये इसको इस दोनों को मर्ज करा तुम, ये मर्ज हो गया। धीरे धीरे चलाते रहो, ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लो, हो ज्यादा हो गया, कम कराओ इतना, इस तरीके से चलाते रहो धीरे धीरे। धीरे धीरे जब इसको बनाएंगे तो ये देखो अब शेप आपको लग रही है, कुछ थोड़ा बहुत आया अभी शेप। अब इसका नोज का जो पार्ट है ना, ये और अपने को थोड़ा सा देखना है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा नोज का पार्ट थोड़ा ज्यादा स्मूथनेस हो गया हमारा यहाँ, नोज का पार्ट जो है वो ज्यादा स्मूथनेस हो गया। अब यहाँ पे इसको अब इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा और होगा अपना स्मूथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, राइज में आओ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्मूथ टूल पे आओ, ठीक है, स्मूथ ये स्मूथ टूल पे, ठीक है, स्मूथ टूल पे आने के बाद, ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा इधर लेके आते, नहीं इधर तो नहीं बैठेगा ये, तो इसमें आओ, ब्रश टूल को कम करिएगा, अमाउंट आपने ये किया, इसको थोड़ा थोड़ा सा क्या करते थे, अंदर कर देते हैं इसको, अमाउंट वन कराओ इस टाइम, थोड़ा थोड़ा सा उसी के बिहाफ पे, ठीक है, धीरे धीरे वो उठ रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका उठ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, आप डिपॉजिट टूल लो, थोड़ा सा इसको उठा दो, ये देखिएगा,
सर आप रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड करना मेरे को मेल पे। हाँ, ये देखो आई अभी शेप आ रही, देखो ये देखो दिख रहा है अभी शेप दिनेश जी, इस तरीके से। अब इसका जो पगड़ है वो पगड़ आएगा, ठीक है। तो हर पार्ट के लिए क्या है, अपने को उसी तरीके से बिहेव करना है, ठीक है, वर्क करना है। अब ये आंख का पार्ट है, देखो अब आंख में क्या है, ये हिस्सा देखो ये निकल रहा है बाहर की ओर। तो एक्चुअली क्या है ना, ये आपको यहाँ से पकड़ना है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक लाना है इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद इसको पकड़िएगा, इसको अंदर की ओर लेके आओ, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, ठीक है। सेम ऐसा ही आपको यहाँ से यहाँ तक लाइएगा। देन इसके बाद यहाँ पे देखो इस तरीके से है ये उठाओ, ठीक है। हाँ अब इसके ऊपर से एक और चीज निकलेगी, ठीक है, तब जाके ही सही होगा। ये है कि आपको हर पार्ट के लिए ना यहाँ पे ये मॉडलिंग करनी ही पड़ेगी आपको, ये इस तरीके, ये इसमें मर्ज करा दो, ये देखो तो ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, ये इसमें ऊपर उठेगा, ये वाला इसको बिल्कुल हो सके जितना इसको मर्ज कराते चले जाओ, ठीक है। तो हर पार्ट के लिए ऐसे ही होगा, बराबर ना दिनेश जी, हर पार्ट अपने को इसमें क्या है बनाना पड़ेगा, ये देखो। तो जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपका ये अपने ऊपर के लेवल पे अपना कंप्लीट होता हुआ चला जाए। अब देखो जैसे ये हिस्सा है, ठीक है, अब ये यहाँ से लेकर यूं घूमता हुआ वहां तक जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आपको इस तरीके से वेक्टर बनाएंगे इसको, वैसे हम कल बनाएंगे पगड़ को, ठीक है, कल ही बने बैठेगा ये, आज नहीं बैठेगा, ठीक है, ओके, ठीक है शकील जी। तो फंडामेंटल वही है, फंडामेंटल सारे वही है, बट ये है कि ये देखो ये जो मॉडल है ना, ठीक है, इस टाइप का अगर मॉडल बहुत ज्यादा हैवी डिटेल्ड मॉडल है तो हम 8KM में नहीं करते, 8KM के साथ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। बट अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लीनिंग है, ठीक है, मान लो 3DX मैक्स के लिए, उसके बाद लिटिल बिट स्कर्ब कर दिया, जी ब्रश यूज होता है इसमें, बहुत सारे मॉडल्स आपके यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, जी ब्रश के थ्रू भी बनती है, ये जो बनता है ये बनाता है ना वो जी ब्रश में बनाता है ये मॉडल फ्रंट व्यू, ठीक है। तो वो चीज क्या है कि वहां पे ब्रशेज काम करती है हमारी, ठीक है, बट ये कि नॉर्मल हम इस चीज में कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हैवी डिटेल्स में आप आओगे तो वहां पे फिर आपको क्या है उस चीज के लिए अपने को यूज करना पड़ेगा। बट नॉर्मल देखो मैं इस चीज को लेके आ गया, ये देखिएगा प्रॉपर, ये देखिए। तो ये है कि जितना आप करते जाओगे धीरे धीरे उतना आपका क्लीनिंग आता चला जाएगा, ठीक है भाई। ठीक है दिनेश जी।
ठीक है सर। ओके।